उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश एक और इतिहास रचने को तैयार है। उत्तराखंड जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। यूसीसी को लेकर गठित विशेषज्ञ समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। रिपोर्ट मिलने के बाद इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। वहीं उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा और उसे पास करने के लिए 5 फरवरी को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। सूत्रों के अनुसार मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में गठित की गई 5 सदस्यीय समिति 2 या 3 फरवरी को अपने रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों शीघ्र विधानसभा का सत्र बुलाने के संकेत दिए थे। वहीं विधानसभा सचिवालय की ओर से सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई। इससे पहले 5 सितंबर 2023 को विधानसभा का सत्र बुलाया गया था। 8 सितंबर को सत्र स्थगित किया गया था। वहीं प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल भी 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 26 जनवरी को समाप्त हो रहा था। समिति ने ड्राफ्ट तैयार तो कर लिया है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री को ये सौंपा नहीं गया है। सीएम कह चुके हैं कि ड्राफ्ट मिलने के तुरंत बाद विधानसभा सत्र बुलाकर समान नागरिक संहिता लागू करने से जुड़ा विधेयक पारित किया जाएगा। माना जा रहा है कि इन 15 दिनों के भीतर समिति सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी। तो आपको बता दें कि सूत्रों की बात मानी जाए तो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार लगभग कर चुकी है। वहीं समिति अब जल्द ही अपनी रिपोर्ट जो है वो उत्तराखंड सरकार को सौंप सकती है। रिपोर्ट विधानसभा में पेश किए जाने के बाद इसकी अन्य औपचारिकताएँ जो हैं वो पूरी की जाएंगी। वहीं देश के किसी भी राज्य में अभी यूसीसी लागू नहीं है। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जुड़ गए हैं। अवनीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू किया जा सकता है, इसका ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है लगभग और जल्द ही सीएम को भी सौंपा जाएगा, तो क्या लगता है सीएम को जैसे ही ये ड्राफ्ट सौंपा जाएगा तो कब तक ये लागू किए जाने की विधि जो है वो पूरी होगी? बिल्कुल, देखिए दीपशिका, जिस तरीके से अगर बात करें, पहले से जो है यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इसको जो है यहाँ पर सत्ता संभालते ही पहले ही जो है उन्होंने ये कहा था कि यूसीसी को जो है यहाँ पे लागू किया जाएगा। उसके लिए बाकायदा कमेटी भी बनाई गई थी, जो पूर्व जस्टिस है रंजना देसाई, उनकी उसमें निगरानी में जो है ये कमेटी बनाई गई थी। और लगातार जो है वो आम जनमानस से संवाद करके, तमाम जो धर्मगुरु हैं उनसे बातचीत करके ये जो समिति है वो अपना कार्य कर रही थी। हालांकि अभी उसका ड्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया था, जिसको लेके यहाँ पे जो सौंपना था ड्राफ्ट वो भी उसके लिए कुछ समय जो है यहाँ पे मांगा गया था। तो हो सकता है, कयास लगाया जा सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो 5 फरवरी से जो विधानसभा का सत्र शुरू होना है उसमें ये यूसीसी को जो है लागू कर दिया जाएगा। इसको लेके अब जो सियासी हलका है उसमें हलचल शुरू हो गई है। जो विपक्ष है वो लगातार इसको ताराशाही रवैया का नाम दे रहा है। उनका कहना था कि ये केवल चुनावी स्टंट है। और लगातार जिस तरीके से बात करें, हर एक आदमी की अपनी धार्मिक आस्था होती है, उनका पहनावा अपना होता है, ये तमाम चीजों को लेके अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। जी जी, तमाम शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए अवनीश जी।